Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं अगर खामोश हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान सरकार की वजह से। कुछ ऐसे लोगों का क्या अंजाम करना है मुझे अच्छी तरह से आता है। अभी इसी वक्त चला जा यहाँ से। मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। हाँ मामा, मैं जा रहा हूँ। अंधेरे में ना जाया करे, ठोकर लग जाएगी। ओ, लगता आप ठोकर खा के आ रहे। वीर मंगा, कितनी बार बोला है मेरे रास्ते में मत आया कर, तू क्या हर वक्त भला की तरह चिमटा रहता है मुझे? जाकर मालकों की बलाओं से चमटते हैं मलक साहब, मालकों से। मेरी एक बात सुन ले, इन बलाओं से दूर रहा करें। चिमट गई तो जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर हर जगह मीर मंग तो नहीं होता ना जो बलाओं से चिमट जाए। मासी तेरी लालटेन का है? हाँ है। और मैं तो अपनी लालटेन जुलेखा के कमरे में भूल आई। ले। अच्छा किया, भती चली जाती तो फिर ना डर जाए बेचारी। ये डर तो फिर भी लगा रहेगा उसे, क्यों नहीं भाग भरी तू ही बता। ये डर चारों पहरे फिरता तो नहीं रहता कहीं? उसके पहरे पर जो रहती है तू, देखा तो होगा उसके डर को तूने भी, बता ना। कैसे हाथ पैर हैं, कैसी शक्ल है, बता तो सही। ज्यादा बकवास कर मेरे साथ, चाय दे भाई, सर दुखता है। मुझसे चाचा, भूत से डर गई थी शोधी। तेरी बड़ी जबान चलने लगी है ताजो, और ध्यान रखी कोई काट न ले। मी, तुझे क्यों आग लग रही है? तेरा क्या ताल्लुक है? तू क्या जानती है भूत को? बकवास बंद कर, चाय दे भाई। बना रहा हूँ, बना रहा हूँ। गरम दूध लाए।
तबीयत कैसी है आप? इतना परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रख, वो सब ठीक कर देगा। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी हुई। मेरे मुंह से तो कोई भी बात नहीं लगती, सिर्फ गाना अच्छा लगता है तो प्योरों को। मेरे कानों में तो वो भी शीशे की तरह पड़ते हैं, पर क्या करें, गाना तो है, गाने वाली जो मेरा कौन सा कोई बाप है या माँ या कोई आगा पीछा। तीन ही रिश्ते हैं बस, आंटी, उस्ताद जी और गाहक। ये भी बात है, वरना चंदनों की बच्ची तो कचरे के ढेर पे पड़ी पड़ी मर भी सकती थी। कैसी अजीब होती है ना ये शरीफ शादियां, बगावत भी करती हैं और डर भी जाती है। मोहब्बत की निशानियों को कूड़े में फेंको, बड़ी हसरत से देखा है मैंने हमेशा बाप की उंगली पकड़ के स्कूल जाती हुई लड़कियों को, सहन में किकलियां डालती, चांद पे चूड़ियां पहनती, ईद पे ईदियां बटोरती, सीधी सादी शरीफ लड़की कितनी खुश होती है ना, हंसती खिलखिलाती हुई, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें आंटी जान की ढलती उम्र का सहारा नहीं बनना। या फिर इसलिए कि अपनी हर सांस को उनका एहसान मान के रोजाना अपनी इज्जत नफ्स का खून नहीं करना। लेकिन एहसान तो है, अगर वो मुझे कचरे के ढेर से ना उठाती तो कुछ भी हो सकता था। उनकी वजह से ही तो मैं जिंदा हूं। जिंदा हूं। तो तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देती, चली क्यों नहीं जाती हो यहां से? कसम से अगर मेरी मां ने मुझे कचरे के ढेर पे फेंकते हुए मेरे कंबल में एक पर्ची पे लिख के अपना पाँव उड़ा दिया होता ना तो दौड़ी हो जाती मैं, सर के बल जाती। दूध पी लेना, सेहत के लिए अच्छा होता।
और यार बख्शा बस भी कर, और लगता है सारी रोटियां बैंक में जमा कराने जा रहा है क्या? ला रहा हूँ यार, हौसला तो कर। ओ बख्शा, एक रोटी पकड़ा मुझको, खा मरूं और जाऊं ड्यूटी पे। ऐसा ना हो मलिक जावेद मेरे पीछे नकब लगाए और स्टडल के पास बैठा रहे। न शर्म न हया न इज्जत न पत, बस उसे उठाता है और चल पड़ता है, या फिर सामने बिठा के किताब की तरह पढ़ता है। मैं तो कहती हूँ कोई जन्नत बीबी को जाके बता दे। मलिक जावेद की शिकायत है, लगाएगा कौन मासी? दो दफा उनका फोन आया, मैंने तो जबान को ताला ही लगा दिया। सोचा जावेद ने तो साफ मुकर जाना है और मुझ गरीब ने फंस जाना है। मासी दारा, तुझे याद नहीं पिछले साल एक कुड़ी आई थी, क्या नाम था उसका? शाजो। हाँ वही जो गोरी थी छोटे से कद की। जन्नत बीबी ने तो उसे गुत से पकड़ कर भरी माड़ी से निकाला था। और जब भी मलक साहब को हाथ से पकड़ कर ले गई थी वो हवेली मुराद। मेरी बेचारी जन्नत बीबी, मेरा दिल दुखता है उसको देख के, रोल दिया उसको। बादशाहों की बेटी उसको छोड़ के कमी कमीनियों के पीछे दौड़ता फिरता है। और तुम लोग भूल गए हो तो सुन लो, मलिक जावेद उस कुड़ी के साथ निकाह करेगा। ओप, 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 पाक बड़ी तू यहाँ बैठी रही है, मैं पूरी माड़ी में तुझे तलाश कर रहा हूँ। सरकार बुला रहे, उठ जा जल्दी। जुत्ती तो पहनने दे। टाइम नहीं है, उठ जा। क्या बात है? आ जा ना। चलो तुम लोग तो रोटी खाओ भाई। सरकार साहब वो रोटी के दो निवाले तोड़ने। रोटी खाने के लिए किचन में हाजिरी जरूरी है। जी जी नहीं। तो फिर उस लड़की को अकेला कमरे में छोड़कर किचन में तुम्हारा क्या काम? पराई लड़की की पहरेदारी की जिम्मेदारी तुमने इसलिए दी थी क्योंकि तुम पुरानी काम हो। किसी ने गलत शिकायत लगाई है मुझे गरीबनी की, मैं तो लसूड़े की तरह चिपकी हुई हूँ। तुम चिपकी हुई हो या मेरा दामन? उस लड़की के कमरे के चक्कर मलिक जावेद तुम्हारी मर्जी से लगा रहा था? जी जी नहीं, मैं तो बतेरे हाथ जोड़े मलिक साहब के, पर वो तो तुमने शिकायत क्यों नहीं की मुझसे? बता, पूछ रहा हूँ मैं। वो सरकार साहब अगली गलती माफ कर दे, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। मैं मजबूर थी माड़ी के दामाद के सामने जबान दांतों तले दबा ली थी मैं। हो या दामाद, वसूलों के सामने सब बराबर है। जब तक वो लड़की माड़ी में है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सुल्तान का काम है। के बाद अगर तुमने हेराफेरी करने की कोशिश की तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं।